हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? यू आर वेलकम इन पी एन एस एल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम। यू नो वी वेरी वेल, माई सेल्फ अखिल कुशवाहा, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो वी आर हियर फॉर क्लास 9 एंड टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द रिमेनिंग एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर नंबर 1 विच इज द मोशन। ओके, तो आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हो, हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1.6 जो कि रिमेन रह गया था। इसके पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1.5 तक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो चैप्टर है फर्स्ट हमारा मोशन, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आपको बस आपको कॉन्शियस होकर वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। आई होप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, यही वो मौका है जब आप अपने फिजिक्स को सही से कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज आप न्यूमेरिकल में क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, बहुत से बच्चे वीक हो जाते हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान देंगे तो अच्छे से वीडियो उनको समझ में आएगा, ठीक है ना। और कोई भी डाउट है बेटा, आप हमको क्या करिए, क्लासरूम में आप अपना डाउट क्या करिए क्लियर करिए, फिर मेरे नंबर पर कॉल करिए, मुझसे पूछिए, ठीक है ना। आप लोग पूछते भी नहीं है, तो मैं आपसे ये चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज आप क्वेश्चन को पुट अप करिए, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कंसल्ट करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, या फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो प्लीज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1.6 को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.6। ओके, लेट्स सी दैट। कह रहा है, अ कार एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ठीक है, एक कार का वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू दिया 18 किलोमीटर पर आवर, v दिया हमारा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, टाइम दिया है 5 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट, फर्स्ट दिया है एक्सीलरेशन पूछ रहा है, सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड क्या पूछ रहा है हमसे, सेकेंड हमसे डिस्प्लेसमेंट क्या पूछ रहा है, कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी यस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डिस्टेंस इसको लिखते हैं, यही यस या फिर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास ज्यादा वो नहीं है, ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हमारा दिया इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आओ, वी दिया 36 किलोमीटर पर आओ, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह इसको चेंज करेंगे 36 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 60, इसको सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है, 5.10 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको दिक्कत होता है तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखो कोई भी चीज को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फिजिक्स के मेथड से करें, ठीक है ना, ये आपका मेथड फिजिक्स का है, ठीक है ना, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करना चाह रहे हैं तो देखो ये बहुत सिंपल है, 18 किलोमीटर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड, देखो वही चीज आंसर आया कि नहीं, ये जो आंसर है वही है आया ना। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर में दिया है, अगर उसको मीटर पर सेकेंड में आप चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, उसमें भी इसमें क्या है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 कितना होता है 36, 2 5 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ये आप अपने मन में मुझबानी लगा सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इतना आपको नहीं सोचना, लेकिन आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के रूल से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर में चेंज हो गया, और आवर को 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। तो इस रूल को फॉलो करिए ना, कि इस रूल को, ये तो मैथमेटिकली ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, टाइम सेकंड में दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सीलरेशन a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस u बाई टी, क्या मैं राइट हूं, ठीक है ना, a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस, थोड़ा बड़ा लिख दू, v माइनस u बाई टी, ये होता है ना एक्सीलरेशन, मैंने आपको पढ़ाया। अब देखो v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू 10 है, 10 माइनस u की वैल्यू 5 है, ठीक है, थोड़ा झुक करना बहुत ज्यादा पड़ता है, 5 अपॉन टी की वैल्यू कितना है, 5 है, 5,
अब ये आ जाएगा देखो 5 upon 5, 5 on 5, 1 meter per second square। तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आई हमारी वो आई a = 1 meter per second square पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। 1 meter per second square आ गए एक्सीलरेशन, यानी फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, एक्सीलरेशन से पूछ रहा था तो एक्सीलरेशन 1 meter per second square आ गया, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कि कार द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस को कैलकुलेट करिए। यस को कैलकुलेट करना है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलो यस सेकेंड पॉइंट मैं यहां लगा दे रहा हूं। यस इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पढ़ाया ना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो इनिशियल वेलोसिटी यूटी कितना है 5, ठीक है ना, टी कितना है 5 प्लस 1/2, ए कितना है 1, टी कितना है 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 5 25 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 25, यही होगा ना 5 5 20/2। अब सीधे क्या कर लें, 25 प्लस 1 25/2 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम होगा, 2 2 25 2 2 5 10 0 2 2 4 5 50, ठीक है ना, प्लस 25, ये हो जाएगा 75/2 मीटर, ठीक है। तो यस इक्वल टू आपका आ जाएगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 75/2 मीटर। इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं कर लीजिए, 75 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना होगा 2 3 6 होगा, 1 आएगा 5 आएगा, 2 7 14 होगा, 1.0 लगेगा, पॉइंट लगा देंगे, 2 5 10 हो जाएगा, तो 37.5 मीटर आ जाएगा। तो ये था आपका आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। कि एक कार है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, और वो 18 किलोमीटर आवर से 36 किलोमीटर आवर 5 सेकंड में ट्रेवल करता है, मतलब 5 सेकंड में वो स्पीड बना लेता है, तो उसकी एक्सीलरेशन बताइए और इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया बताइए, ये रहा, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकंड का होगा और डिस्टेंस 37.5 मीटर या फिर 75/2 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 1.7 एग्जांपल नंबर 1.7 देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1.7, ठीक है ना, समझ में आ गया ना सबको ये, ठीक है। अगर आप ए आंसर लिखते हैं तो भी करेक्ट है, और ए आंसर लिखते हैं तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप दोनों कर सकते हैं, मैंने आपके लिए छोड़ा है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए भाई, इतना तो आप लोग को आता ही होगा यार कि डिवाइड कैसे करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे करता है, 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 होता है ना कि 9 होता है, होता है क्या, नहीं होता है ना सर, बिल्कुल यार बिल्कुल सही बात कर रहे हो, 2 4 8 ही होता है, 9 नहीं होता है। तो ये तो आपको आता है ना, बचपन से आप सीखते चले आ रहे हैं मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। फिलहाल मैं सब कुछ बता ही देता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1.7। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 meter per second square इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सीलरेशन हो रहा है 6 meter per second square अपोजिट डायरेक्शन में, यानी -6 meter per second square, ठीक है ना, समझ रहे आप बात को। फिर कह रहा है इफ द कार टेक 2 second, यानी टाइम दिया है 2 second, ठीक है, इफ कार टेक 2 second कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। तो कैलकुलेट करना आपको यस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखो यस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या क्या दिया है, v इक्वल टू भी हमारा फाइनल वेलोसिटी 0, यानी कार ब्रेक लगाने पर क्या हो जा रही है, रुक जा रही है, ठीक है ना। बात को ध्यान से समझना कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, देखो क्वेश्चन ध्यान सुन लो, एक कार है जो कि चल रही है जिसकी वेलोसिटी नहीं देके एक्सीलरेशन दे दिया है, एक्सीलरेशन दे दिया है कि 6 meter per second square में चल रही है, लेकिन जब ब्रेक लगाया है तो रिटार्डेशन हो रहा है, यानी माइनस अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन दिया है, तो माइनस ले लिया गया। जैसे कार चल रही है, कार पर जब आप ब्रेक लगाते हैं तो कार क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्या हो जाती है, रुक जाती है,
तो रुकने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दो चीजें हमको फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, यूजिंग न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at, तो u इक्वल टू क्या होगा, v माइनस at, ठीक है। तो v क्या है हमारा, जीरो है माइनस, और a क्या है माइनस सिक्स, मल्टीप्लाई टी क्या है टू है, यह है सिक्स टू या ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, तो अब क्या करेंगे, यस की वैल्यू यूज करेंगे। जब यस की वैल्यू फाइंड करना है, यस भी तो हमको फाइंड करना है, यानी डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में कौन सा आता है, न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन आता है। तो बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यस कितना है, यू कितना है अभी 12 आया, मल्टीप्लाई टू प्लस वन बाई टू, ए कितना है माइनस सिक्स, मल्टीप्लाई टी कितना है 2 का स्क्वायर। तो ये देखो 12 टू जा 24 प्लस वन बाई टू, टू थ्री जा क्या हो जाएगा 6, तो माइनस मल्टीप्लाई, तो यहां पर डायरेक्ट लिख लेंगे माइनस 3, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा जो ट्रेवल होगा कार द्वारा वह 12 मीटर होगा, और हमारा जो वेलोसिटी होगा इनिशियल वो 12 मीटर पर सेकेंड, यानी 12 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस भी 12 मीटर होगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1.7। तो आपके बुक में फर्स्ट चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल थे आपके सॉल्व करा दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वीडियो जो बनाएंगे वो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। और जो भी डाउट है प्लीज, और प्लीज आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमको क्लासरूम में क्या करिए, कंसल्ट करिए कि कैसे कोई चीज यूज किया गया है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कॉल करिए, मेरा नंबर आपके पास सही है, ठीक है। थैंक यू।